दोस्तों कल एक मैसेज आया था मेरे पास कि 30,000 में हम कैसे सेलिंग कर सकते हैं वो दिखाएं एक बार करके, तो मैंने आपके लिए ट्रेड बनाया उसी में। क्या किया हमने, मैंने सेलिंग की है विद इन 30,000 के, ठीक है। ये ट्रेड कब, कल बनाया था 23 को। इसमें देखिए मेरे इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं, इंडिकेटर ने मुझे इंडिकेशन देनी शुरू की है कि मार्केट गिरने वाला है। तो मैंने क्या किया, एक सेंसिबल में जा गया जो कि मेरे जीरोधा के साथ लिंकअप है, जीरोधा में फ्री है अब ये। तो मैंने रियल ट्रेड बनाया यहाँ पे, मैंने क्या किया सी साइड को सेल किया। मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट गिरेगा, 31 अगस्त का मैंने एक्सपायरी लिया इसमें, और मैंने क्या किया 19,400 का एक मैंने सेल किया है, और जस्ट उसके नीचे बिल्कुल 19,450 का एक मैंने बाय कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरी पोजीशन हेज हो गई है, ठीक है। तो मुझे लॉस भी लिमिटेड है और बेनिफिट भी लिमिटेड है, और ये विद इन 30,000 के है। तो मेरा प्रेडिक्शन था मार्केट गिरेगा, लेकिन कल मार्केट लगातार बढ़ रहा था, आप कैंडल्स देखिए बढ़ रहे थे। मेरे इंडिकेटर ने मुझे जाके अराउंड 1:30 बजे के आसपास शेयर मैंने लॉग इन किया था, तो उसके आसपास मुझे मेरे इंडिकेटर ने शो कर दिया कि मार्केट नीचे जा सकता है, एक इंडिकेशन देना शुरू किया। आप देखोगे येलो बार, एक येलो ड्रॉप डाउन एरो की दिख रही है आपको उसमें। देखिए ये एक साइड है मनी कंट्रोल की, इसमें मैंने देखा ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, तो ग्लोबल मार्केट पूरा बेयरिश था, लेकिन हमारा मार्केट बढ़ रहा था। फिर ये देखिए ट्रेडिंग ट्रिक एक साइट है, आप इस पे आएंगे तो इसमें आने के बाद कॉल और पुट का देख सकते हैं आपकी क्या चल रहा है। अभी कॉल के देखिए बार कितना बड़ा बना हुआ है, सॉरी पुट का रेड बार बना हुआ है, इट मींस कि मार्केट के गिरने के चांस हैं। तो ये इंडिकेशंस, दो इंडिकेशंस मिल गई हमें, ग्लोबल मार्केट डाउन था और जो रेड बार था पी साइड का बार था वो बड़ा हुआ था। ये देखिए मैक्स प्रॉफिट कितना है 1355, मैक्स लॉस 1145, और इसमें 26,000 समथिंग कुछ लग रहा है हमारा कैपिटल। इसको मैं ट्रेड ऑल कर रहा हूँ, ये वर्चुअल ट्रेड नहीं है, रियल ट्रेड है ये। अब मैं इसको मार्केट पे बाय करूँगा, प्लेस करूँगा सारे दोनों ऑर्डर एक साथ में। ये जब भी आप ऐसे प्लेस ऑर्डर प्लेस करें, बाय साइड ऊपर होना चाहिए आपका, सेल साइड नीचे होना चाहिए। ये देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है ये, और मुझे लॉस से स्टार्ट हुआ है क्योंकि मार्केट अभी बढ़ रहा है। मैंने क्या लिया है, मैंने सी को सेल किया है, इट मीन्स मेरा ये प्रेडिक्शन है कि मार्केट गिरेगा। तो मैं जीरोधा के खोल के दिखाया था, जीरोधा लॉगिन किया है मैंने, इस पोजीशन में जाऊंगा, आपको पोजीशन दिखा दूंगा वहाँ पे मैं। ये देखिए पोजीशन, ये लाइव चल रहा है आपके सामने, पोजीशन बनी हुई है, इसमें लॉस बेनिफिट दिखाता रहेगा आपको। ये रियल ट्रेड में लेके दिखाया, इसमें क्या है कि अब देखिए इसमें 1100 कुछ का हमें लॉस भी दिखा रहा है, ठीक है, कि हो सकता है कब 31 अगस्त तक, हमारे पास पूरा टाइम है अभी। मैंने एक वीक एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ हमेशा, 2 वीक में जब भी करना है अपना सेलिंग, 2 वीक में करना है, आपके पास टाइम रहेगा पूरा। और लेकिन ये जो 1100 का लॉस दिखा रहा है, इसको कैसे हम एडजस्ट करके पहले ही निकाल लेंगे वो बताऊंगा मैं आपको। वो भी मैंने देखिए इसका एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर लिया है, इसका सपोर्ट भी मैं क्रिएट करूँगा अभी। मेरे हिसाब से मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने कोई रेजिस्टेंस पहले क्रिएट कर लिया है उसका, मैं इसी अकॉर्डिंग ट्रेड लूंगा। और जो भी मार्केट पे है, ये मेरे जो मैंने रेड बार बनाया, रेजिस्टेंस बनाया है, इसके आसपास जा रहा है, तो मैंने ट्रेड ले लिया है। मुझे शोर शॉट है यहाँ से कि मार्केट गिरना चाहिए, तो मैंने एडवांस में ट्रेड ले लिया है वैसे, पर आप लोग इतनी जल्दी ना करें, रुकें और जब मार्केट वहाँ से रिवर्स हो तब ट्रेड डालें। ये मैंने सपोर्ट बना दिया, तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों बन गए आपके सामने। जब मार्केट में रेजिस्टेंस वाले एरिया में जाएगा, वहां से मुझे शोर शॉर्ट है कि वापस आना चाहिए, लेकिन आज मार्केट देखिए पूरा ट्रेंड ही है, अप ट्रेंड में गया है। मेरा टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट वहां से गिरना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड पहले ही डाल लिया है। ये देखिए ट्रेडिंग ट्रिक की साइड देखिए, पी भी देखिए अब जा रहा है रेड, पी पुट साइड कितना बड़ा रेड बना हुआ है, कॉल साइड कितना छोटे में है, ये भी एक इंडिकेटर शो कर रहा है कि मार्केट गिर सकता है यहाँ से। एक दूसरे काम की चीज़ है, आप देख लीजिए इसको, आप जब भी ट्रेड लेंगे तो ये आप ग्लोबल मार्केट चेक करें, ट्रेडिंग ट्रिक में जाके ओआई डेटाबेस चेक करें, पुट और कॉल का दोनों के बार्स चेक करें, बड़े किसका बड़ा किसका छोटा बन रहा है, आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। देखिए जो मैंने जोन बनाया था रेजिस्टेंस एरिया में, मार्केट वहाँ जा चुका है, एंटर कर रहा है। अब देखिए मेरे इंडिकेटर ने मुझे ड्रॉप डाउन एरो दे दिया है रेड, देखिए जहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ, तो मैंने इंडिकेटर में यूज़ कर रहा हूँ, इंडिकेटर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसकी इंडिकेटर नाम की एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे इंडिकेटर ने मुझे मैसेज देना स्टार्ट कर दिया कि एक एरो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे अब, कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो मेरा ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, जो मैं ट्रेड ले चुका हूँ, मैं और श्योर शॉट हो गया हूँ कि अब मेरा लॉस में नहीं जाएगा, बेनिफिट हो सकता है यहाँ से मुझे। और वैसे मेरे पास 8-9 दिन है अभी,
तो मार्केट कभी रिवर्स कर सकता है, तो वो जो लॉस दिखा रहा है वो कभी होगा नहीं है उससे। और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे करना है आपने, तो वो हम जो लॉस दिखा रहा है वो होने ही नहीं देंगे, हम पहले ही उस लॉस को रिकवर कर लेंगे, स्ट्रेट को जीरो लॉस बना लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है मैंने, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वो दिखाने के लिए। देखिए बार बन रहा है, ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ, तो 15 मिनट की कैंडल्स बन रहे हैं। देखिए सुबह से अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस कह रहा था कि मार्केट जहाँ से करना चाहिए था, तो वो एडवांस मैंने ले लिया। आपके सामने देखिए अब नेक्स्ट बार बन गया है, जो कि फिर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, रिवर्स हो गया है मार्केट। ये ट्रेड मैं अभी कंटिन्यू लेके जाऊंगा जब तक मुझे, जैसे मुझे दिखा रहा है 1300 का बेनिफिट है, तो मैं कम से कम 6 या 700 तक लेके जाऊंगा। अगर मुझे इतना बेनिफिट दिखाएगा तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, क्योंकि तो अगर मैं डिफरेंस जो मैंने प्रीमियम सेल किया था उससे अगर दूर का बाय करता तो मुझे अमाउंट ज़्यादा देना पड़ता, कैपिटल ज़्यादा देना पड़ता, उस केस में क्या होता, लॉस भी बड़ा होता और बेनिफिट भी ज़्यादा होता। लेकिन मैंने ये ट्रेड क्या बनाया कि 30,000 के अंदर बनाया मैंने, तो उसके लिए मैंने बहुत पास के दोनों प्रीमियम लिए हैं, सी के जो सेल किया है और जो बाय किया है, उससे क्या होगा बेनिफिट भी कम है लॉस भी कम है, लेकिन सेफ है ये। अगर आपके पास अमाउंट कम है तो 1100 का जो लॉस दिखा रहा है 2 वीक में होगा, वो ज़्यादा नहीं है। बाकी मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, इसमें भी बताऊंगा आपको कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, लेकिन मैं वो एडजस्टमेंट करेंगे जो एडजस्टमेंट हम करेंगे वो करेंगे एम स्टॉक में, क्योंकि एम स्टॉक जो है वो ब्रोकरेज फ्री है, उसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है, मैं ब्रोकरेज फ्री डीमेट अकाउंट है उसमें हम कर ये बनाएंगे अपना एडजस्टमेंट का सेटअप। ये देखिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता रहेगा इसमें से, देखिए थर्ड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट ये 2-15 मिनट की हम देख चुके हैं डाउन में आ रही है, देखिए मुझे बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया क्योंकि कैंडल नीचे बनने लग गई, मीन्स मार्केट गिरने लग गया है, थोड़ा बेनिफिट शुरू हो गया है। ये है 23 सितंबर की डेट में बनाया है ट्रेड मैंने, एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिस भाई को भी वहां जाके अपना अकाउंट ओपन करना हो उस लिंक से कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मुझे हो जाएगा, बाकी आप अपने अलग से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने सिंपल अगर सी और पी बाय करना है तो उसके लिए एम स्टॉक से बढ़िया कोई ब्रोकर नहीं है, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज फ्री है, उसमें एक ट्रेड जैसे आपने लिया बेचा तो उसके 7 से 8 रुपए लगेंगे, जो कि गवर्नमेंट की फीस होती है बस। बाकी ये ट्रेड मैंने अपने जीरोधा में बनाया है, क्योंकि जीरोधा में सेंसिबल फ्री हो गया है तो मैं सेंसिबल के थ्रू बनाता हूँ, मुझे बहुत इजी लगता है बनाना उसमें। देखिए थोड़ा बेनिफिट दिखा रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अगर यही मैंने सी और जो बाय और सेल की, अगर इसका गैप बड़ा होता दूर दूर के होते तो मुझे भी ज़्यादा बेनिफिट दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि पास पास के हैं इसलिए बेनिफिट भी कम दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपको एक ट्रेड से 500-600 रुपये मिल रहे हैं तो निकल जाइए, 100 रुपये आपको ब्रोकरेज लग जाएगी, 400-500 हाथ में आ जाएंगे, फिर नया ट्रेड दोबारा बना लीजिए इंडिकेटर के हिसाब से। देखिए कितना बड़ा बार बना लास्ट में आके, देखिए आज का PNL लगा रखा मैंने आपके सामने, जिसमें मुझे 172 रुपीज का बेनिफिट चल रहा है। मार्केट अब रिवर्स हो चुका है मेरे, उसमें आ गया है जैसे मैंने सोचा था, प्रेडिक्शन किया था। ये मेरे एम स्टॉक का स्क्रीनशॉट दिया मैंने, जिसमें ये 696 रुपीज मैंने आज बेनिफिट कमाया है, क्योंकि ये ब्रोकरेज फ्री है तो इसमें मैंने बिना डरे आराम से अपना 696 निकाल लिए हैं। अभी मेरा टोटल लॉस कितना था उसमें 1100 का हो सकता है, तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए अराउंड देखो इसमें ब्रोकरेज कटा के मुझे 650 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये
मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मैंने निकाल ली इसमें एम स्टॉक का यूज करके हाफ बेनिफिट निकाल लिया उसमें से, जो मुझे लॉस दिखा रहा है कितना हो सकता है। कल फिर मार्केट खुलेगा, कल मैं फिर एडजस्टमेंट करूंगा 500-600 कल फिर निकाल लेंगे, तो हमारा उससे क्या होगा कि ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा, जो हमने ट्रेड सेटअप लिया है वो ब्रोकरेज फ्री हो जाएगा।